हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बी रेडी टू लर्न विद रोमा तिवारी टुडे आई एम हियर विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ एच जी विल्स एंड दैट इज़ द स्टोलन बेसाइलिस स्टूडेंट्स बेसालिस का मतलब होता है बैक्टीरिया जो कि बीमारियां पैदा करता है ओके एंड बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन लाइन बाई लाइन लेट मी जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर दैट एच जी विल्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन और ब्रैंड एडलिस ने तो इन्हें शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कह दिया है ही इज द वन हैज रिटर्न द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन एंड सो ऑन एंड ही वॉज द वन हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज फोर टाइम्स ओके सो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एच जी वेल्स के लिए एंड नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ओके ये पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी जो है 1895 में पब्लिश हुई थी ओके okay, स्टूडेंट्स uh, ये पर्टिकुलर जो सीन है जो स्टोरी है ये एक लेबोरेट्री में स्टार्ट होती है यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिस्ट है ओके okay, और उससे मिलने एक बंदा आया हुआ है जो कि एक पेल फेस्ड मैन के रूप में है और बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे अपने लैब में एक जर्म को दिखा रहे हैं बैक्टीरिया को दिखा रहे हैं अपने माइक्रोस्कोप में ओके सो एक्सप्लेनेशन इज हियर दिस अगेन सेट slide under स्लिपिंग microscope is a preparation of अ प्रिपरेशन ऑफ of cholera the cholera germ यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक ग्लास के ऊपर उस बैक्टीरिया को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो दिस अगेन ये एक सेलिब्रेशन है बसाइलस ऑफ कॉलरा एक कॉलरा के बैक्टीरिया को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए वो माइक्रोस्कोप के नीचे एक ग्लास स्लाइड रख देते हैं और कहते हैं इसे इसे नाम देते हैं द कॉले जर्म का द पेल फेस्ड मैन प्यर्ड डाउन द माइक्रोस्कोप प्यर्ड डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज़ आप बहुत ही मशक्क़त के साथ देखते हो ओके तो आपको अगर आप जब कभी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप देखो तो आप बिल्कुल न, यू विल फाइंड डिफिकल्टी आपको आंखें अपनी एडजस्ट करनी पड़ती है ठीक है तो यहाँ पर जो पेल फेस्ड मैन आया हुआ है बैक्ट्रोलॉजिस्ट से मिले हुए उनके लैब में वो भी जो है पियर्ड डाउन करता है वो बहुत डिफिकल्टी से जो है माइक्रोस्कोप ने देखता है ही वॉज एविडेंटली नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ थिंग और जाहिर सी बात है नॉर्मल पीपल ओके हम लोग जो लैब में वर्क नहीं करते हैं हम लोग बहुत यूज टू नहीं होंगे इस तरह के माइक्रोस्कोप या कुछ इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए तो यहाँ पर लिखा है एविडेंटली मतलब ये पक्का है कि हाँ वो बंदा जो है इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने में आ, आ, करने में वो कम्फर्टेबल नहीं था एंड हेल्ड अ लैंप वाइट हैंड ओवर इज फ्री आई तो एक आंख से वो माइक्रोस्कोप देख रहा है और दूसरी जो जिसकी खुली हुई है उसको उसने अपने हाथ से ढक लिया है आई सी वेरी लिटिल ही सेट और वो जो बंदा है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट से कहता है कि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है बहुत छोटा छोटा या बहुत ही धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहा है टच दिसक्रू द बैक्ट्रोलॉजिस्ट तो बैट्रोलॉजिस्ट कहता है कि वो एक स्क्रू को टच करने के लिए कहता है मे बी वो एडजस्ट करेगा उसके फोकस को पर माइक्रोस्कोप इज आउट ऑफ फोकस फॉर यू तो बैट्रियोलॉजिस्ट कहता है उस ल फेस्ट मैन से कि हो सकता है माइक्रोस्कोप uh, जो है आउट ऑफ फोकस हो जूम ना हो पा रहा हो तो इस स्क्रू को टच करके तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो आई वेरी सो मच तो यहाँ पर बता रहा है बैक्ट्रोलॉजिस्ट की आँखें आँखों की अपनी एक लिमिट होती है और सबकी आँखों की अपनी एक आईसाइट होती है जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ टर्न दिस वे और दैट तो कहता है फ्रैक्शन यहाँ पर मेरा बहुत ज़रा सा तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि बहुत ज़रा सा तुम जो है इधर उधर स्क्रू से करो तो शायद से पिक्चर जूम इन जूम आउट हो तुम्हें क्लियरली सब दिख जाए आह नाउ आई सी सेट अ विजिटर तो जो पेयर फे पेयर फेस्ट मैन था तो वो कहता ओके okay, अब मुझे दिखा नॉट सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल ओके okay, तो कहता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा लेकिन हाँ जो भी दिखा वो क्लियर दिखा लिटिल स्ट्रीक्स एंड श्रेड्स ऑफ पिंक तो कहता है स्ट्रीक्स कहता है कि कुछ पतला पतला सा स्ट्रीक मतलब होता है थिन मटेरियल या फिर कोई भी चीज़ जो धागे नुमा हूँ तो कहता है कि बहुत छोटा पतला पतला सा धागे जैसा कुछ मुझे दिख रहा है अब वह पिंक कलर का है एंड येट दोज पार्टिकल्स दोज आर दोज मियर एटमीज माइट मल्टीप्लाई एंड डिवर्स अ सिटी वंडरफुल और उसके बाद वो कहता है कि इतने छोटे जो पार्टिकल्स हैं मेयर मतलब होता है एम ई आर का मतलब होता है मात्र कहता है कि जो इतने छोटे छोटे एटमीज बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं ये अगर मल्टीप्लाई कर जाएं तो ये पूरे के पूरे सिटी पूरे के पूरे शहर को डिवेस्टेट कर सकते हैं तबाह कर सकते हैं फिर वो अपने मन में सोचता है वंडरफुल क्यों क्योंकि वो एक एनार्किस्ट है वो बंदा वो विजिटर ही इज़ नॉट हैविंग अ ट्रू एंड गुड इंटेंशन फेयर इंटेंशन ही इज़ एन एनार्किस्ट ओके अनार्किस्ट किसे बोलते हैं अराजक तत्वों को अराजकतावादी को हम एन बोलते हैं ही स्टूड अप एंड रिलीजिंग द ग्लास स्लिप फ्रॉम द माइक्रोस्कोप वो खड़ा होता है और ग्लास स्लिप को माइक्रोस्कोप से नीचे से हटाता हैल्ड एटीन इज हैंड टूवर्ड्स द विंडो और उसके बाद वो विंडो की तरफ जाता है स्केर्सली विजिबल ही सेट और जब वो खुले एटमोस्फेयर में देखता है तो कहता है कि हार्डली ये चीज़ें दिख रही हैं स्कार्सली मतलब होता है बहुत कम ही सेट लुकिंगयरफुली एट द प्रिपरेशन ही लाइफ आर द डेंजरस नाउ तो वो विजिटर जो होता है वो कहता है उसको बहुत ही केयरफुली देखते हुए कहता है और हेजिटेट होकर पूछता है कि क्या ये ज़िंदा है बैक्टीरिया क्या ये अब जो है क्या ये खतरनाक है दोज हैव बीन एंड किल्ड है द बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्ट्रोलॉजिस्ट कहता है कि ये इन्हें जो है ख़त्म कर दिया जा चुका है और ये मर चुके हैं आई विश फॉर माई ओन पार्ट वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ देम इन द यूनिवर्स फिर बैक्ट्रोलॉजिस्ट कहता है कि काश मैं अपनी तरफ से इस तरह के सारे बैक्टीरिया को इस यूनिवर्स से हटा पाता स्टूडेंट्स इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे चल के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा सो कीप गोइंग थ्रू माई एक्सप्लेनेशन ओके वी विल फिनिश द चैप्टर वेरी सुन सो फॉर टूडे दैट्स इट कीप स्टडिंग एंड कीप लविंग लिटरेचर वी विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ द स्टोल इन बेसाइलिस गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू